नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। और देखिए, ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में लटकता हुआ नजर आ रहा है। आज भी बिल पर चर्चा नहीं हो सकी। कल संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। कांग्रेस आज भी ट्रिपल तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग पर अड़ी रही, लेकिन सरकार इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने को राजी नहीं है। शाम 5 बजे ट्रिपल तलाक पर राज्यसभा में बहस शुरू हुई। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सवाल उठाया कि आरोपी पति अगर जेल जाएगा तो पत्नी को गुजारा भत्ता कौन देगा। बिल के हक में है प्रावधान जो है, जिसने जब तक उसका पति जेल में रहेगा तब तक उसको उस प्रावधान। इस पर अरुण जेटली ने कहा कि बिल पर जो 2 संशोधन आए हैं वो 24 घंटे पहले आने चाहिए थे, इस पर सभापति फैसला दे। ये बड़ा स्पष्ट है कि जो प्रस्ताव आए वो 24 घंटे पहले आने चाहिए थे, द मोशंस दे डिड नॉट कम। विपक्ष बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग पर अड़ा है। जेटली ने कहा कि सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव देरी से आया, इसलिए बिल को सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जा सकता। जेटली की दलील को विपक्ष ने नहीं माना और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता नहीं देख उप सभापति ने सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। और इकोनॉमी के मोर्चे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जेटली ने जीएसटी को लेकर कांग्रेस के दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री ने कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का असर दिखने में वक्त लगता है। आप अपना तर्क देखिए, सदन के बाहर क्या है और सदन के बीच में क्या है। सदन के बाहर आप कहते हो कि रेट कम कीजिए और सदन के भीतर आप कहते हो देखिए रेवेन्यू गिर गया। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने के लिए इसके क्या क्या परिणाम होंगे कि महीने दो महीने के लिए आलोचना भी हो सकती है और उसके बाद लाभ होगा व्यवस्था को, स्वाभाविक है ये सब। और यही असर ठीक मायने से डिमोनेटाइजेशन का है।